हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। आज हम बात करेंगे बेसिकली जो है एक कंपनी या फिर आप मेंबर जो है, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आप अपने आप को जो है इंस्टीट्यूट के साथ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, LLP, LLM जो है, पब्लिक सेक्टर जो है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अभी जो है इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुई है, या फिर जो नए मेंबर हैं जो प्रैक्टिस में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को जो है इंस्टीट्यूट के साथ कैसे रजिस्टर्ड करें ताकि और जो ट्रेनी है उनको ट्रेनिंग दे पाए, मतलब इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए, हाउ दे कैन रजिस्टर्ड अ कंपनी, अ पीसेस, हाउ दे कैन रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें आपको जो है बताया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे किस तरह से जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा मेरे साथ। अगर एंड तक जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी छोटी सी हेल्प आपको मिलती है, तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू। सो बढ़ते हैं जो है, आप अपने आप को एज अ कंपनी, एज अ पीसीएस इंस्टीट्यूट के साथ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है एक ट्रेनिंग का जो पोर्टल है, इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रेनिंग के पोर्टल पे आपको अकाउंट को, मतलब ये वेबसाइट जो है इस पे क्लिक करना है। देन आपको ये इंटरफेस शो करेगा। ये जो लॉगिन एंड पासवर्ड होता है, ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, और आपके लिए भी होगा, मतलब एज अ कंपनी और पीसीएस जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपको लॉगिन एंड आईडी जो है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है सेपरेट दिया जाएगा। देन यू कैन रजिस्टर्ड एंड यू कैन डू द थिंग्स। ठीक है, सो सबसे पहले जो है रजिस्टर कैसे करें, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे कंपनी एंड पीसीएस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप एक कंपनी है तो कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा, एक पीसीएस है तो आपको पीसीएस पे क्लिक करना पड़ेगा। पेंडिंग एप्लीकेशन मतलब जो है कुछ टाइम लगता है अप्रूव करने के लिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ठीक है, जो है वो जो है कुछ टाइम लगता है, एटलीस्ट जो है 72 आवर्स जो है मिनिमम जो है लगता है, मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम बेसिकली लगता है, मिनिमम जो है बहुत जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, सो जैसे आपने आज अप्लाई किए हैं, 2-3 दिन बाद आपने चेक किया कि आपको कोई इसका इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आपको पेंडिंग अप्लीकेशन पे जाना है। सपोज दैट जो है मैं एक पीसीएस हूँ, मैं अपने आप को रजिस्टर कराऊंगा, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, नॉर्मल से डिटेल्स आपकी रहेंगी। यहाँ पे आपको अपना मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पीसीएस नेम आपका क्या है, पीसीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी तो नहीं फिल करना है, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन रहेंगे। ठीक है, नाम, बेसिकली ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। ठीक है, प्रोसीड करेंगे। सपोज डेट मैं जो है मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है, तो भी रैंडमली मैं जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं। ठीक है, और इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इतनी लंबी लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाह रहा हूँ, टाइम लगेगा। नॉर्मल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। बाकी उसके बाद जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और कुछ जो है मैंडेटरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, जब चेक करके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। देन कुछ अदर डिटेल्स होते हैं आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, अगर फॉर्म है फिर, या फिर LLP है, या फिर कंपनी है, अदर डिटेल्स को सबमिट करने के बाद आपकी एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगी, एक आईडी, आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे जब आप पेंडिंग रिक्वेस्ट चेक करेंगे, तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देन आपका रिक्वेस्ट का क्या हुआ बेसिकली जो है, अगर आप सक्सेसफुली आपने नॉर्मल प्रोसेस फॉलो किया है, एंड यू एज अ कंपनी, एज अ पीसीएस आर एलिजिबल टू गिव द इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द सीएस स्टूडेंट, सीएस ट्रेनी, सो आपको जो है डायरेक्टली आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। देन यू कैन यू विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग द इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। ठीक है, सो वो डिटेल्स आ जाएगी। अदरवाइज जो है अगर आपको कोई भी इंट्रैक्शन नहीं मिला है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आपको जो है सिंपली से जो आपको यूनिक आईडी मिल जाता है, सो पेंडिंग एप्लीकेशन पे जाकर आपको चेक करेंगे एग्जैक्टली जो रीजन है क्यों नहीं हो पाया है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो इंस्टीट्यूट जो है नॉर्मल जो है आपको मेल मैसेज के थ्रू दे देगा कि इस वजह से नहीं हुआ है। बाकी एग्जैक्ट रीजन के लिए आपको यहाँ ही पे दोबारा आना पड़ेगा कि क्या मे बी कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो सकता है, या फिर नेम का कुछ इश्यू हो सकता है, या फिर आपने पहले कुछ नेम चेंज किया होगा, या बाद में कुछ नेम चेंज किया होगा, तो कुछ भी हो सकता है। जो एग्जैक्ट रीजन है वो आप यहाँ पे चेक करें। ठीक है, कोई भी रीजन नहीं होता है, डायरेक्टली आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आपको इंटीमेशन मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। सो ये थी बेसिकली जो है आप कैसे अपनी एज अ कंपनी, एज अ पीजीएस जो है इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है गाइज, और अगर आप नए हैं तो बताना चाहूंगा कि आप एक ऐसे चैनल पे आए हैं जहां पर केवल आपको ICSI से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, मतलब CS कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, आप न्यू से लेकर मेंबर बनने तक। ठीक है, उसके बाद भी जो भी प्रॉब्लम आती है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा केवल। सो